वर्षीय कन्नड़ फिल्म अभिनेता और यूथ आइकन पुनीत राजकुमार की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये चर्चा भी हो रही है कि अच्छी सेहत और बॉडी की चाह में जिम जाने वाले लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। 2 महीने पहले जब अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई तब भी यही सवाल उठा था। पुनीत को जिम करने के दौरान सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल जाने के लिए कहा, लेकिन पुनीत को रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने बीबीसी से कहा कि जब लोग वजन उठाने जैसे अभ्यास करते हैं तो मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, वजन उठाने की वजह से शिराओं पर दबाव पड़ता है, असीमित अभ्यास हार्ट के वॉल्व के लिए बुरे होते हैं। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अलेक्जेंडर थॉमस कहते हैं कि बहुत से जिम युवाओं को स्टेरॉयड लेने के लिए सलाह देते हैं और स्टेरॉयड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हो सकता है कि भारत में ऐसे जिम की संख्या बहुत कम हो, लेकिन ये चिंता का विषय है। चर्चित डाइटिशियन और न्यूट्रिशन सलाहकार शीला कृष्णा स्वामी कहती हैं कि ऐसी आधारहीन मान्यता है कि जो लोग जिम जाते हैं उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। जब तक डाइट में प्रोटीन की कमी ना हो तब तक सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग खेलों से जुड़े होते हैं वो भी डॉक्टरों की सलाह और योग्य पोषक विशेषज्ञों की सलाह पर ही प्रोटीन लेते हैं। डॉक्टर मंजुनाथ कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज यानी उच्च तनाव वाले अभ्यास करने से पहले दिल की सेहत की जांच करानी चाहिए। वो कहते हैं कि लोगों को तुरंत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू नहीं करने चाहिए, पहले वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए और जब लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू भी करें तब भी ये रोजाना नहीं करने चाहिए। ये दिल से जुड़ी समस्याओं की शुरुआत हो सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्टों का मानना है कि जिम में ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक तय रूटीन का पालन किया जाना चाहिए। मैंगलुरु के पीए इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल सजीश रघुनाथन कहते हैं कि ज्यादा बैठने वाले लाइफस्टाइल के लोगों को कई जांचें करानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वो जल्दी तो नहीं थक जाते हैं। आमतौर पर इन जांचों का मकसद ये पता करना होता है कि व्यक्ति एक्सरसाइज करने के लिए फिट है या नहीं। डॉक्टर मंजुनाथ कहते हैं कि सभी शुरुआती सावधानी बरतने और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अधिक देर तक तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। बाहर से अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिल भी सेहतमंद हो। डॉक्टर मंजुनाथ कहते हैं कि जिम में लोगों की सेहत पर नज़र रखने के लिए डॉक्टर होना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं तो ये सलाह दूंगा कि जिम में आपात स्थिति को संभालने के लिए प्रशिक्षित लोग होने चाहिए जो पुनर्जीवन उपकरणों को चलाना जानते हैं और आपात स्थिति में हार्ट को फिर से चालू करने के लिए डेफिब्रिलेटर शॉक दे सके। डॉक्टर मंजुनाथ कहते हैं कि यदि पुनीत 10 मिनट पहले अस्पताल पहुंच गए होते तो शायद उन्हें बचा लिया गया होता। हमारे पास ऐसे मरीज आए हैं जो लाइन में इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें ये ट्रीटमेंट दिया गया, वो लोग बच गए और 20-30 सालों तक जिए।